हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहमो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मशरूम की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई मटर मशरूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं दिखाती हूँ आपको कि ये मशरूम मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये 200 ग्राम मशरूम मैंने लिया है और इनको छील के वॉश करके इस तरह से कट कर लिया है। बस मैंने इसे हाफ में कट किया है। एक पतीली में थोड़ा सा पानी रखेंगे, पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा तो इस मशरूम को इसमें डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसी में छोड़ देंगे ताकि ये मशरूम हमारा ब्लांच हो जाए। पाँच मिनट के बाद ये देखिए, ये मशरूम हमारा इस तरह का है। इसको हम निकाल लेते हैं इसमें से। ये देखिए, ये मशरूम का हमारा लुक है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। 3 जवे लहसुन, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको छील के कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च मैं ले रही हूँ। आप मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और 1 ये मीडियम साइज़ का टमाटर। ये चारों चीज़ें लेके इनको ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। 1 पैन में 1/4 कप ऑयल लिया है, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 स्टिक दालचीनी की 1/2 इंच की और 2 छोटे से तेज़ पत्ते। ये डाल के इनको 2 सेकेंड के लिए सॉटे करेंगे। उसके बाद इसमें मैं ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज को महीन सा चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब इसमें हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इनको डाल के इसको अच्छे से भून देंगे। 5-7 मिनट कुक करने के बाद ये हमारे पास 1 कप मटर है, उस मटर को भी इसी में ऐड कर देंगे और मटर को भी मसाले के साथ हम थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। ये मसाला हमारा अभी अच्छे से भुना नहीं था, ये मटर के साथ में मसाले को अच्छे से भून लूँगी। जब ये तेल इसमें से सेपरेट हो जाएगा तब ये मशरूम को इसी में ऐड कर देंगे। मशरूम डाल के इसको फिर से अच्छे से हम भून लेंगे मशरूम के साथ भी 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको कवर करके हम 15-20 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। ये देखें, ये 15-20 मिनट के बाद मशरूम हमारा कुक हो गया। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून फ्रेश थिक क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घर की निकली हुई दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ज़्यादा देर हमें इसे अब पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया इसके ऊपर ऐड करके इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे 10 मिनट के लिए उसी के ऊपर रखा रहने देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। अभी मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी मलाई मटर मशरूम रेडी हो गया। ये इस तरह का है, इसमें बहुत ज़्यादा सालन नहीं रखते, ये थिक ग्रेवी होती है। अभी मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है। अगर मेरी ये मशरूम की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।